कार्तिक पर आया जो जान का संकट, नायरा बन गई कार्तिक के लिए संकट मोचक। और मारो नायरा और मारो, आज अक्षत को उसके सारे गुनाहों की सजा दे डालो। तुम क्यों आई यहाँ पर? तुम वापस जाओ। चलो सामने। नहीं करते, हम दोनों साथ जाएंगे। पहले इसको ठिकाने लगाने के बाद। अब ये तो हम जानते ही हैं कि कैसे वेदिका की मदद से कार्तिक और नायरा कायरव की जान बचाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अक्षत तो अभी भी आजाद घूम रहा है और जल्द से जल्द फरार होने की सोच रहा था कि तभी कायरव की नजर अक्षत पर पड़ गई। पापा, वो देखो, बैन अंकल, जिन्होंने मुझे पकड़ा था। बस फिर क्या था, अक्षत को देखते ही कार्तिक खुद पर काबू नहीं रख पाए और अक्षत को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। और कार्तिक के पीछे पीछे नायरा भी दौड़ पड़ी। तभी वहाँ पुलिस वालों के साथ नक्श और समर्थ चाचू भी पहुँच गए। कार्तिक नायरा अक्षत के पीछे गए, हमें भी जाना चाहिए। आप लोग हम दोनों जाके देखते हैं। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, मैं अक्षत को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो आप लोग करना के। आप लोग प्लीज, आप लोग कार्य को लेके मैं जाती हूँ। तुम जाओ, चलो जंगल के बीच में शुरू हो गई अक्षत कार्तिक और नायरा की भागम भाग। अक्षत कार्तिक ने आखिरकार घने जंगल में अक्षत को ढूंढ ही निकाला और शुरू कर दी अक्षत की धुनाई। मेरे बच्चे पे हाथ डालो। लेकिन अक्षत भी कार्तिक की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए और फिर पलट गई पूरी बाजी। कार्तिक की हालत का फायदा उठाकर नक्षत ने कार्तिक की पिटाई शुरू कर दी। अब कार्तिक खतरे में हो और वहाँ मदद करने के लिए नायरा ना पहुँचे, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। चलिए चलते हैं नायरा के पास और जानते हैं आज के इस हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा के बारे में। कार्तिक जो है वो काफी पीटते पहले उनको अक्षत को, और अक्षत ने फेंक दिया है फिलहाल कायरव को फ्रॉम दिस लिफ्ट, एंड वेदिका बचा रही है। तब तक कार्तिक जो है, कार्तिक नायरा बच्चे को बचाने के बाद जब अक्षत को मार रहे होते तो अक्षत उनकी आंखों में धूल झोंक देते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और जिस वजह से अक्षत उन पे हावी हो जाते हैं। और नायरा उन्हें ढूंढ ही रही होती है क्योंकि वो लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं, नायरा को पीछे छोड़ देते हैं। तो नायरा उन्हें ढूंढती है, जब तक नायरा वहाँ पहुँचती है वो यही देखती है कि अक्षत कार्तिक को मार रहे हैं। तो वो बस डंडा उठा के अक्षत को पीटने लग जाती है कि तूने मेरे कार्तिक को कैसे मारा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि चारों खाने चित होने से पहले अक्षत ने एक चाल और चल दी। नायरा को मारने के लिए अक्षत ने पत्थर फेंका जो सीधा कार्तिक को जा लगा। बस फिर क्या था, कार्तिक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, आसमान घूमने लगा और यही वो पल था जब नायरा की जुबान पर आ गई उनके दिल की बात। कार्तिक अपने प्यार का इजहार नायरा से पहले कर चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे वेदिका नायरा और कार्तिक को अंदर बुला लेती है क्योंकि उन्हें पूरी फैमिली को कुछ एक बहुत जरूरी बात बतानी होती है और वो बात उनके अक्षत उनके पास्ट के बारे में है, अक्षत के बारे में है। और उसके बाद जब कायरव किडनैप हो जाते हैं तो कार्तिक और नायरा को बात करने का मौका नहीं मिलता। तो लेकिन जब कार्तिक ऑलमोस्ट बेहोश होने की स्टेट में होता है, जब नायरा उन्हें संभाल रही होती है, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव, वो अपने मन की बात कार्तिक से कह देती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे कार्तिक को नायरा का आंसर मिल जाता है। भाई कार्तिक तो पहले ही नायरा को अपने दिल की बात बोल चुके थे और अब नायरा ने भी लव कन्फेस कर लिया है, लेकिन यहाँ भी है एक ट्विस्ट
क्योंकि ये बातें वेदिका ने भी सुन ली है। देयर इज अ मिस्ट्री कि शायद वेदिका ने सुना है शायद नहीं सुना है, सो वी डोंट नो दैट। तो वो चीज अब तक क्लियर नहीं हुई, अगर उन्होंने सुना तो फिर क्या सुना, नहीं सुना तो फिर क्या नहीं सुना। ओह, कहानी में है सस्पेंस। अब ये सस्पेंस कौन सा ट्विस्ट लाएगा, कार्तिक नायरा को एक कर जाएगा या फिर वेदिका की वजह से कायरा की दूरियों का रीजन बनेगा, ये देखने का इंतजार तो हमें भी रहेगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।